अभी जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है स्लीपर एंड टाइप्स ऑफ स्लीपर तो सबसे पहले ये समझते हैं हैं कि स्लीपर किसे कहते बॉटम में आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे तो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देती हूँ इनको हम क्या कहते हैं स्लीपर कहते हैं ये सेकेंड डायग्राम में आप देखिएगा कॉम्पोनेट्स को एक्सप्लेन किया है रेलवे ट्रैक का ताकि आप और अच्छे से समझ सके तो इसमें लिखता है कि स्लीपर आर द दम्पोनेंट्स ऑन विच द रेल्स आर प्रॉपर गेज

कि स्लीपर आपका रेलवे ट्रैक का एक कंपोनेंट होता है जो थ्रू आउट द ट्रैक गेज को मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं गेज का मतलब ये होता है कि थ्रू आउट ये जो रेल है इसका फिक्स्ड आपका ये वाला वर्थ है इस वर्थ को थ्रू आउट द ट्रैक मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं स्लीपर्स का यूज़ करते हैं या बोल सकते हो स्लीपर उसमें कंट्रीब्यूट करता है ये जो दो रेल के में बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं गेज ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आगे ये बोलता है कि जो स्लीपर है उसके ऊपर आपका क्या रहता है आपका रेल को फिक्स किया जाता है तो ये क्या करता है ट्रेन से जो लोड आता है व्हील के थ्रू रेल्स पे तो रेल्स के माध्यम से ये जो लोड है डिस्ट्रीब्यूट होता है किस पे स्लीपर पे और स्लीपर क्या करता है ये जो लोड्स आ रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उनके नीचे जो ब्लास्ट का लेयर है उस पर जाके ये डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अब कई बहुत सारी जगहों पे स्लीपर को ही टाइज कहा जाता है ये इसके बेसिक डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट आप देखना फंक्शन ऑफ स्लीपर्स कि स्लीपर का क्या फंक्शन होता है तो सबसे फर्स्ट है कि टू होल्ड द रेल्स स्ट्रॉन्गली एंड टू मेंटेन यूनिफॉर्म गेज यूनिफॉर्म गेज जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये अगर ट्रैक है मान के चलो तो जो विथ आप गेज यहाँ पे दिए हो वही आपका यहाँ पे भी रहेगा इसको मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं स्लीपर्स का यूज़ करते हैं और आपके रेल को प्रॉपरली होल्ड क्योंकि जब ट्रेन उसके ऊपर से मूव करेगा तो बहुत ज़्यादा शॉक एंड वाइब्रेशंस आते हैं तो आपका जो रेल है वो क्या रहता है अटैच रहता है किसके साथ स्लीपर के साथ तो वो उसको क्या करता है स्ट्रांगली होल्ड करके रख रक, रखता है अपने पोजिशन पर नेक्स्ट है टू ट्रांसफ़र दी लोड फ्रॉम रेल्स टू द बेलास्ट और ग्राउंड ये बोलता है रेल से लोड को बैलास्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए बीच में हम जो मेंबर लगाते हैं वो हमारा क्या रहता है स्लीपर तो ये क्या कर रहा है लोड को कैरी ले रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का यहाँ पे काम कर रहा है नेक्स्ट है टू रिड्यूस द वाइब्रेशंस कमिंग ऑन द रेल्स ट्रेन जब आपका ट्रेन मूव करता है तो क्या होता है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं इन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए भी हम स्लीपर्स का यूज़ करते हैं नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रेल्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द रेल्स सॉरी ये रेल नहीं होगा टाइप्स ऑफ स्लीपर्स होगा ये इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा टाइप्स ऑफ स्लीपर्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द रेलवे ट्रैक इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दो तरीके के होते हैं फर्स्ट है आपका लोंगिट्यूडनल स्लीपर सेकंड है आपका ट्रांसवर्स स्लीपर्स तो लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर क्या होता है ये पहले स्टार्टिंग में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता किया जाता था लेकिन अब क्या है ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित है मतलब अब ये कम्प्लीटली बैंड हो चुका है क्योंकि ये जो लॉन्गीट्यूडनल स्लीपर्स होते थे इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा जनरेट होती थी जब उसके ऊपर से ट्रेन मूव करता था साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत हाई था तो जैसे जैसे टाइम आगे निकलता गया तो ये इसको एलिमिनेट कर दिया गया और इस लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर्स के जगह आ गया आपका क्या ट्रांसवर्स स्लीपर तो ट्रांसवर्स स्लीपर क्या है ये जितना भी ड्रॉबैक आपका लॉन्गिट्यूडनल स्लीपर का था उसको एलिमिनेट कर दिया किसने ट्रांसवर्स स्लीपर में ट्रांसवर्स स्लीपर ने और आजकल जनरली डिपेंड करता है कि आपके कौन से टाइप के मटेरियल अवेलेबल हैं उस हिसाब का ट्रांसवर्स स्लीपर हम यूज़ करते हैं तो जनरली हम चार तरीके के स्लीपर्स को यूज़ करते हैं फर्स्ट वन इज़ वुडन स्लीपर सेकेंड वन इज स्टील स्लीपर फोर्थ वन थर्ड वन इज कॉन्क्रीट स्लीपर एंड फोर्थ वन इज कास्ट आयरन स्लीपर इसका सीक्वेंस यहाँ पे अलग है क्योंकि जो पहले आया उस सीक्वेंस में यहाँ पे अरेंज किया गया है तो आप ये याद रखिएगा कि टाइप ऑफ ट्रांसफर स्लीपर्स आपके चार होते हैं फर्स्ट टिम्बर और वुडन स्लीपर सेकेंड वन इज स्टील स्लीपर थर्ड वन इज कास्ट आयरन स्लीपर एंड फोर्थ वन इज कंक्रीट स्लीपर अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टिम्बर और वुडन स्लीपर किसे कहते हैं तो ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि ये जो मेंबर आपका लगा है तो ये क्या है लकड़ी को इस शेप में काटा जाता है मतलब आप बोल सकते हो लकड़ी को ऐसे इस शेप में काट के ऐसे यूज किया जाता है इसको ये इस शेप का रहता है मतलब फ्रंट से आप देखोगे तो आपको स्क्वायर दिखाई देगा तो ऐसे बार्स के फॉर्म में इसको क्या करते हैं लकड़ी को काट के रेल के बिलों में फिक्स किया जाता है तो इसमें लिखा है कि जब हम लकड़ी का इस्तेमाल करके स्लीपर को बनाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे वुडन स्लीपर तो ये जो वुडन स्लीपर होता है एक आइडियल स्लीपर का सारा रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है लेकिन ये भी अब बैक डेटेड हो चुका है और अब इसको भी ज़्यादा हम माल नहीं करते ये एक और डायग्राम है जिसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये लकड़ी को कैसे यूज करके स्लीपर एज स्लीपर हम यूज करते हैं नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं वुडन स्लीपर के फर्स्ट है आपका इट रेजिस्ट हाई स्पीड ऑफ द ट्रेन ट्रेन का जो हाई स्पीड से जब वो मूव करता है तो वाइब्रेशन आते हैं उनको ये इजली क्या कर सकता है रेजिस्ट कर सकता है मतलब सहन कर सकता है नेक्स्ट है द लाइफ इस्पान ऑफ वुडन स्लीपर इज टेन टू ट्वेल्व ईयर्स ये दस से बारह साल तक रहता है वुडन स्लीपर का जो लाइफ है उसमें ये सक्सेसफुली आपका यूज़ हो सकता है उसके बाद जो है इसमें डैमेजेस आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट है आपका वुडन स्लीपर आर चीपर देन अदर एंड इजी टू मैन्युफैक्चर ये बोलता है कि वुडन स्लीपर क्या है एज़ कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ स्लीपर्स थोड़ा चीपर होता है और ये बनाने में भी आसान होता है नेक्स्ट है आपका दे आर मोर सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बैलास्ट किसी भी प्रकार के बैलास्ट जो आपका स्लीपर uh, के बिलो जो लेयर आता है वो बेलास्ट का होता है तो किसी भी प्रकार के बेलास्ट के लिए आपका वुडन स्लीपर जो है वो सूटेबल होता है नेक्स्ट है सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रेल सेक्शंस एंड फॉर एनी गेज ऑफ ट्रैक ये बोलता है कि सभी प्रकार के रेल सेक्शन के लिए आप क्या करते हैं इसको वुडन स्लीपर को आप यूज कर सकते हैं एंड फॉर एनी गेज ऑफ दी ट्रैक एनी गेज मतलब ब्रॉड गेज मीटर गेज नैरो गेज किसी भी प्रकार का आपका रहेगा गेज उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वुडन स्लीपर को यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका बेस्ट फॉर ट्रैक्स सर्किटिंग ट्रैक सर्किटिंग का मतलब ये होता है कि जो हम इलेक्ट्रिक ये एक डिवाइस होता है जो सिग्नल प्रोवाइड करता है कि ट्रेन आ रहा है कि नहीं करके ये सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए एक अरेंजमेंट किया जाता है उसी को बोलते हैं ट्रैक सर्किटिंग तो ये वहाँ पे भी आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट लिखा है दे आर गुड इंसुलेटर सो रेल्स आर वेल प्रोटेक्टेड ये बोलता है क्योंकि ये गुड इंसुलेटर रहता है तो आपका जो रेल है उस पर कोई भी इफ़ेक्ट ये आने नहीं देता नेक्स्ट है दे आर वेल सुटेबल फॉर ट्रैक इन कोस्टल एरियाज कोस्टल एरिया में आपका नमी रहता है और उस नमी में खारापन रहता है तो लकड़ी पे उस उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता तो ये वहाँ के सिचुएशन के लिए बेस्ट अटॉप्टेड स्लीपर है नेक्स्ट है दे एब्ज़ॉर्ब शॉक एंड वाइब्रेशन बेटर देन अदर टाइप ऑफ स्लीपर्स ये बोलता है एज़ कम्पेयर टू अदर थ्री टाइप ऑफ स्लीपर्स ये इसमें शॉक एंड वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस सबसे फर्स्ट है आपका लाइफ इस्पान इज शॉर्टर देन अदर टाइप ऑफ स्लीपर्स एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ स्लीपर इसका जो लाइफ स्पान है वो कम होता है नेक्स्ट दे आर लाइबल टू डिके अटैक ऑफ वाइटेंट्स क्रैकिंग स्प्लिटिंग एक्सेट्रा वर्मिन अटैक कैन बी पॉसिबल इफ इट इज नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड ये बोलता है की जो लकड़ी है उसमें अः बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा या बोल सकते हो आपका जो लकड़ी है वो वीक तब हो जाएगा जब उसमें डिके होना स्टार्ट होगा और ये जो डीके होना स्टार्ट होगा ये किन के कारण होगा आपका जो वाइट एंड्स होते हैं या स्मॉल स्मॉल देखना जो कीड़े लग जाते हैं लकड़ी पे वो अगर इस पर लग गए तो ये क्या करेगा धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी है उसको कम कर देगा क्योंकि ये उसमें डीके करना स्टार्ट कर दिया है इसके कारण क्या होगा जब लोड ऊपर से मूव करेगा तो क्योंकि अंदर से पूरा आपका खाली हो चुका है लकड़ी तो ये इजली क्या हो जाएगा स्प्लिट होके क्रैक हो जाएगा और ये फिर सक्सेसफुली वर्क नहीं करेगा नेक्स्ट है लो स्क्रैप वैल्यू इसका मतलब ये होता है कि जब वो अपना लाइफ इस्पान पूरा हो चुका है यूज़ उसके बाद जब आप उसको रिप्लेस करते हो और नए स्लीपर्स लगाते हो तो वो जो पुराने स्लीपर्स रहते हैं उनका जो आप मार्केट वैल्यू देखोगे तो आपको ज़्यादा वैल्यू अडॉप्ट नहीं होगा या बोलते हो आप उसका रीसेल वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा नेक्स्ट है आपका दे आर ससेप्टेबल टू फायर वीक अगेंस्ट फायर ये बोलता है कि लकड़ी में आग जल्दी पकड़ लेता है तो हमारा जो वुडन स्लीपर है वो अगर फायर के कॉन्टेक्ट में आया तो वो उतना रजिस्ट नहीं कर पाएगा नेक्स्ट है ड्यू टू तो ड्राई एंड वेट कंडीशन वुड एंड ट्रैक गॉट अफेक्टेड ये बोलता है कंटिन्यूअसली मॉइस्चर या नमी में आप देखना लकड़ी फूल जाता है तो ये बोलता है कि अगर आपका कंटिन्यूअसली टेम्परेचर में चेंज हो रहा है बार बार ड्राई एंड मोस्ट कंडीशन आ रहा है तो ये जो वुडन ट्रैक है इस पर उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा नेक्स्ट है आपका स्टील स्लीपर जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेंबर्स हैं वो स्टील से बने हुए हैं जो आपके ये जो पार्ट्स है ये आपका स्टील से बना हुआ है तो जब हम स्टील को यूज़ करके स्लीपर बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं स्टील स्लीपर कहते हैं और ये जो स्टील स्लीपर है ये आपका रेल से कनेक्टेड रहता है आपका नट एंड बोल्ट्स को यूज़ करके इसको आपस में कनेक्ट किया जाता है नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्टील स्लीपर एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील स्लीपर तो इसमें लिखा है लाइफ ऑफ स्टील स्लीपर इज़ ट्वेंटी से लेके ट्वेंटी फाइव ईयर्स तक का होता है जिसमें ये सक्सेसफुली वर्क करता है नेक्स्ट है यूनिफॉर्म इस इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेब ड्यूरेबिलिटी ये मटेरियल जो होता है ड्यूरेबल होता है दैट्स वाई इसको इसकी ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू आपको हाई मिलेगी साथ ही साथ इसमें एक यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होता है जो कि आपका रेल को ट्रैक को प्रॉपरली मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है इसका जो स्क्रैप वैल्यू होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू वुडन स्लीपर क्योंकि ये जो मटेरियल होता है वो रिसाइकलेबल होता है गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर फायर का इस पर कोई अफेक्ट नहीं होता क्योंकि ये उसको ईजिली रेजिस्ट कर जाता है नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी अटैक्ट बाय वर्मिन इंसेक्ट्स का इस पर स्टील uh, पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता तो इस इन, वर्मिन के कारण डैमेज होने के चांसेस आपके जीरो परसेंट है नेक्स्ट है आपका दे आर वेल सुटेबल फॉर ट्रैक्स ऑफ हाई स्पीड एंड लार्जर लोड्स ये बोलता है कि हाई स्पीड का जो आपका अगर आपका हाई स्पीड लोकोमोटिव मूव कर रहा है या उस पे लोड का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है तो आपका स्टील स्लीपर उसको ईजली क्या कर देता है कैरी कर सकता है नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज फर्स्ट पॉइंट लिखा है दे रिक्वायर मोर फिटिंग्स इसमें बोलता है कि जो अरेंजमेंट किया जाता है रेल और स्लीपर का तो दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो फिटिंग्स का रिक्वायरमेंट होता है वो इसमें ज़्यादा आप आपको उसके तरफ ध्यान देना होगा या बोल सकते हो फिटिंग्स के जो मटेरियल हैं वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्वायर्ड होता है है सॉरी आपका दे आर टू रस्ट और कोरोजन कोरोजन होने मतलब जंक लगने के चांसेस आपके स्टील स्लीपर में ज्यादा होते हैं इसीलिए इनको कोस्टल एरियाज में यूज नहीं किया जा सकता या फिर बोल सकते हो जहां पे आपका एटमॉस्फेयर में नमी है नेक्स्ट है स्टील्स आर इजिल अफेक्टेड बाई केमिकल्स ये बोलता है कि आपका जो स्टील है वो केमिकल से ईजिली अफेक्ट हो जाता है तो इसको हर तरीके के बैलास्ट के साथ यूज़ नहीं किया जाता केवल सेलेक्टिव बैलास्ट के साथ ही और इस ये इस तरीके का स्टील स्लीपर का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट है स्टील स्लीपर रिक्वायर हाई मेंटेनेंस इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है नेक्स्ट लिखा है कि जब हमारा एक्सीडेंट होता है मान के चलो तो उस समय स्टील स्लीपर यदि आपने स्लीपर के आपका रेलवे ट्रैक में यूज हुआ है तो उस समय डैमेजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं नेक्स्ट है आपका कास्ट आयरन स्लीपर जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि कास्ट आयरन के स्लीपर्स को कैसे यूज़ करते यहाँ पे देखो डायग्राम से कैसे फ्लैट है फ्रंट और ये किस तरीके से इसको रेलवे ट्रैक में यूज़ किया जाता है तो जब हम कास्ट आयरन को यूज़ करके स्लीपर बनाते हैं तो उसको हम कास्ट आयरन स्लीपर कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंडिया में यूज़ होता है इसके एडवांटेजेस हैं कास्ट आयरन स्लीपर्स कैन बी यूज फॉर लॉन्ग पीरियड्स अप टू सिक्सटी इयर्स ये बोल रहा है अप टू सिक्सटी इयर्स दैट मीन्स अस ज़रूरी नहीं है कि पूरा साठ साल तक ही आप इसको यूज़ कर रहे हो या अप टू का मतलब ये होता है कि मैक्स आप साठ साल तक इसको यूज कर सकते हो तो एज कम्पेयर टू अदर टू टाइप्स ऑफ स्लीपर दैट इज वोडेन एंड आपका स्टील स्लीपर इसका जो लाइफ स्पान है वो ज़्यादा होता है वर्मिन का या बोल सकते हो इंसेक्ट्स का इस तरीके के स्लीपर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता डैमेज डैमेज ऑफ कास्ट आयरन स्लीपर कैन बी रिमोल्डेड इनटू न्यू स्लीपर्स हैंस स्क्रैप वैल्यू ऑफ कास्ट आयरन इज़ गुड ये बोलता है कि अगर आपका कंटिन्यूसली यूज़ करने से कहीं पे कोई डैमेजेस कॉज हो गए हैं तो हम क्या करते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं तो ये बोलता है कि अगर आपका कोई भी पार्ट स्लीपर का आपका कोई भी स्लीपर ये जो ट्रैक में यूज़ हो रहा है कहीं पे डैमेज हो गया तो आप उसको रिप्लेस करके दूसरा स्लीपर लगा सकते हो और ये जो आपने स्लीपर को रिमूव किया है इसको अगेन आप रीमोल्ड करके फिर से इसी से आप क्या कर सकते हो नया स्लीपर बना सकते हो इसीलिए बोल रहा है कि इसका जो स्क्रैप वैल्यू है वो ज़्यादा होता है नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस इट कैन बी डैमेज ईजली बाई इट कैन बी डैमेज ईजली वाइल हैंडलिंग ये बोलता है कि जब हम साइड uh, पे लेके जाते हैं स्लीपर्स को तो ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑपरेशन इसमें डैमेजेस होने के चांसेस रहते हैं ये इज्ली डैमेज हो जाता है और इसमें कोरोजन जंग भी ईजिली लग जाता है जैसे है ये सॉल्ट वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है इसीलिए ये सूटेबल नहीं होता कोस्टल रीजन्स में नेक्स्ट है इट इज़ अन इकोनॉमिकल एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स इट इज़ एक्सपेंसिव ये बोलता है कि ये क्योंकि महंगा होता है इसीलिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इकोनॉमिकल नहीं होता नीड लार्ज नंबर ऑफ़ फिटिंग्स इसमें भी जो फिटिंग्स है रेल और स्लीपर के बीच में वो ज़्यादा लगते हैं नेक्स्ट है प्रॉपर मैंटेनेंस इज़ रिक्वायर्ड टाइम टू टाइम मेंटेनेंस रिक्वायर्ड रहता है आपका किस में आपका कास्ट आयरन स्लीपर में नॉट सुटेबल फॉर सर्कु यहाँ पर आएगा सर्किटेड ट्रैक होता है ये ये जो है आप स्पेलिंग इसको सही करिएगा सर्किटेड है ये सर्कुलेटेड नहीं है सर्किटेड ट्रैक का मतलब ये मैंने पहले भी बताया था कि ट्रैक सर्किट क्या होता है अरेंजमेंट होता है जिसमें डिवाइस को फिट करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से इंडिकेट कर सके कि ट्रैक पे ट्रेन आ रहा है कि नहीं तो उसको बोलते हैं ट्रैक सर्किट तो यहाँ पे भी ये सूटेबल नहीं होता क्योंकि ये एक अच्छा इंसुलेटर नहीं है नेक्स्ट है आपका हैवी ट्रैफिक एंड हाई स्पीड्स विल कॉज लूजनिंग ऑफ कीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई क्रिप ये बोलता है कि कास्ट आयरन स्लीपर में जो आपका क्रिप है वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि जब हैवी ट्रैफिक का मतलब ये है कि कंटिन्यूसली वो ट्रैक पे बहुत सारे ट्रेन आपके कंटिन्यूसली मूव होते हैं तो हाई स्पीड से अगर वो मूव हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस कॉज करते हैं इसके कारण जो रेल और स्लीपर के बीच में जो आपने अरेंजमेंट यूज़ किया है वो लूज़ हो जाते हैं और इसके कारण क्या है कि वो रेल को अपने पे होल्ड करके नहीं रख पाते जिसके कारण आपका क्या हो जाता है क्रिप हो जाता है नेक्स्ट है आपका क्या कॉन्क्रीट स्लीपर जैसा कि डायग्राम में बॉटम में दिख रहा होगा कि ये जो स्लीपर्स हैं वो कॉन्क्रीट से बने रहते हैं अब कॉन्क्रीट को दो तरीके से यूज़ किया जाता है या तो वो प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कॉन्क्रीट से बनते हैं या तो आपका बना रहता है क्या रेनफोर सीमेंट कॉन्क्रीट से बना होता है तो जब हम इन दो तरीके से आपका स्लीपर बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं क्या कॉन्क्रीट स्लीपर्स कॉन्क्रीट स्लीपर्स को बहुत ज़्यादा सभी जगहों पर यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये आपका बहुत इजीली हाई स्पीड रेल्स को के कम जहाँ पे रन होता है वहाँ पे इसको इजीली ये क्या कर सकते हैं आपका शॉक एंड वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है नेक्स्ट आप देखेंगे एडवांटेजेस फर्स्ट है दे हैव लॉन्ग लाइफ स्पान इसका जो लाइफ स्पान रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपका वुडन स्लीपर एंड स्टील स्लीपर बट कास्ट आयरन स्लीपर से थोड़ा ज़्यादा इसका जो लाइफ स्पान है वो होता है नेक्स्ट है रिक्वायर फ्यूअर फिटिंग्स ये बोलता है जो रेल और स्लीपर के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं उसमें कम ही फिटिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है एडजस्टमेंट ऑफ गेज इज़ सिंपल एंड इजी। गेज को मेंटेन करना आपका कंक्रीट स्लीपर में इजी होता है नेक्स्ट हैवियर देन अदर टाइप्स ऑफ स्लीपर देयर गिव्स गिव स्टेबिलिटी टू द रेल्स ये बोलता है एस कंपेयर टू जो आपने अभी तीन स्लीपर पढ़े हैं उसके कंपेरिजन में इसका जो लोड रह, इसका जो वेट रहता है वो क्या होता है ज़्यादा होता है जिसके कारण ये अपने पोजिशन पर ही क्या रहता है स्टेबल रहता है और क्या करता है रेल को भी होल्ड करके आसानी से रखता है नेक्स्ट है प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन रेल एंड स्लीपर्स ये एक स्ट्रॉन्ग आपका बोल सकते हो बॉन्ड फॉर्म करता है स्लीपर और रेल के बीच में लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रैक इज मोर जो स्टेबिलिटी रहता है लेटरल एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वो ज्यादा रहता है इसमें नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट इज गुड इंसुलेटर सो दिस टाइप ऑफ स्लीपर स्लीपर वर मोर सुटेबल फॉर आपका सर्किटेड ट्रैक ये फिर से यहाँ पे करेक्ट करना ये बार बार यहाँ पे क्या आएगा आपका सर्किटेड ट्रैक आएगा यहाँ पे ट्रैक वर्ड को आप अटैच कर लेना तो ये बोलता है क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये कंक्रीट से बना है तो ये क्या गुड इंसुलेटर होता है जहाँ पे ट्रैक सर्किटिंग हमको करना रहता है वहाँ पे भी हम इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ही लो होता है साथ ही साथ इसमें आपका ये गुड फायर रेजिस्टेंस भी है क्योंकि इस पर फायर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता इस पर कॉन्क्रीट से बना होता है इसलिए क्रोशन होने के भी कोई चांसेस नहीं होते वर्मिन अटैक से भी आपका कॉन्क्रीट को कोई डैमेज या इफेक्ट नहीं होता नेक्स्ट है इसका जो मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस होता है वो ईजी होता है नेक्स्ट हम देखते हैं डिसएडवाटेज ऑफ कंक्रीट स्लीपर फर्स्ट है आपका इनिशियल कॉस्ट इज़ हाई इसको जब हम बनाते हैं तो इसका जो इनिशियल कॉस्ट है बनाने का कॉस्ट वो हाई होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ स्लीपर नेक्स्ट है इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड एंड एंड रिक्वायर रिप्लेसमेंट ये बोलता है कि आप इसको मेंटेनेंस नहीं कर सकते अगर एक बार डैमेज हो गया है कहीं पे तो आपको इसको वहाँ से रिमूव करके नया स्लीपर वहाँ पे लगाना पड़ेगा इसका स्क्रैप वैल्यू जीरो होता है क्योंकि अगर कंक्रीट uh, से बना है और वो डैमेज हो गया है तो अगेन आप इसको ना तो रीसेल कर सकते हो ना इसको आप रिसाइकल करके फिर से इससे आप स्लीपर बना सकते हो नेक्स्ट हैंडलिंग इसका डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये हैवी होता है नेक्स्ट डैमेज में ऑकर वाइल्ड ट्रांसपोर्टिंग ट्रांसपोर्टिंग ये बोलता है जब हम साइट्स पे लेके जाते हैं तो ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑपरेशन इसमें अगर डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं नेक्स्ट है नॉट सुटेबल फॉर ब्रिज ब्रिजेस एंड क्रॉसिंग्स जहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट आता है वहाँ पे और ब्रिजेस पे ये सुटेबल नहीं होता आपका कॉन्क्रीट स्लीपर तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ स्लीपर क्लियर होंगे कि वुडन स्लीपर स्टील स्लीपर कास्ट आयरन स्लीपर और आपका कॉन्क्रीट स्लीपर क्या होता है और क्या उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ गुड स्लीपर तो रिक्वायरमेंट ऑफ़ गुड स्लीपर ये बोलता है कि भाई अगर आप रेलवे ट्रैक बना रहे हो तो उसमें स्लीपर का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए तो आप ये पॉइंट को रीड आउट कर लेना इसमें यही लिखा है कि स्लीपर क्या है थ्रू आउट द रेलवे ट्रैक प्रॉपर गेज को मेंटेन करके रखना चाहिए जो स्लीपर है वो आपका लॉन्ग टाइम के लिए लाइफ इस्पान उसकी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आपको बार बार उसको वहाँ से रिमूव करके नया स्लीपर लगाना ना पड़े इसका स्लीपर का कॉस्ट ना तो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए एक इकोनॉमिकल कॉस्ट के स्लीपर मटेरियल को यूज़ करके आप स्लीपर को यूज़ करोगे ये नेक्स्ट आपका जो स्लीपर है उसकी बियरिंग कैपेसिटी हाई होनी चाहिए ताकि वो शॉक एंड वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर सके इसका स्लीपर का आपका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ का जो वैल्यू है वो हाई होना चाहिए और उसका जो वेट है वो मॉडरेट होना चाहिए नेक्स्ट जो है आप ये बोल सकते हो कि आपका जो आ, स्लीपर है वो गुड इंसुलेटर होना चाहिए उस उसपे अटैक या कोरोन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए या बोल सकते हो सॉल्टी वाटर का कोई इफेक्ट नहीं करना होना चाहिए जो जो आप स्लीपर को यूज़ कर रहे हो उसका उसका आपके अदर हैं उनके साथ उसका कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए जैसे कि आपका जो बेलास्ट है वो उसके साथ आप जो कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हो उसका कोई भी इफेक्ट स्लीपर पे नहीं पड़ना चाहिए जब आप स्लीपर को ले डाउन करते हो रेल के नीचे तो स्लीपर और रेल के बीच में आपका गुड बॉन्ड फॉर्मेशन होना चाहिए ताकि वो क्या कर सके हाई स्पीड जो शॉक एंड वाइब्रेशंस आ रहे हैं उनको वो इजीली कैरी कर सके ट्रैक सर्किटिंग के लिए भी आपका जो, है, जो, आ, आपका जो आ, स्लीपर है वो सक्सेसफुली वर्क करना चाहिए क्यों मत आप बोल सकते हो आपका जो स्लीपर है वो गुड इंसुलेटर होना चाहिए तो यही सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हैं इनको एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा और अगर कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू